दमे तो आजा फ्री फायर में वन वर्सेस वन कस्टम में बैक नोबडी सो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे और यार आगे भी अच्छे ही रहना। तो आज मेरे पास गाइस अपने अपकमिंग इवेंट्स और अपडेट को लेकर काफी सारी मस्त मस्त सी न्यू अपडेट है। जैसे कि अपने नेक्स्ट टॉप अप इवेंट 100% कंफर्म हो चुका है, जिसका पोस्टर निकल के आ चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इसका पूरा रिव्यू दूंगा। गेम के अंदर मिस्ट्री शॉप आ चुका है, तो नेक्स्ट डिस्काउंट इवेंट कौन सा रहेगा वो भी मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बात करेंगे अपने न्यू प्लस ओल्ड गोल्डन शेड बंडल रिटर्न इवेंट के बारे में। हैंड ऑफ होप M187 की स्किन कब दिखने को मिलेगी, इसको लेकर कंफर्म अपडेट देने वाला हूँ। आप सभी की फेवरेट कोबरा MP40 कब आएगी, उसको लेकर गैस मुझे कंफर्म अपडेट मिल चुकी है। और बात करेंगे डबल डायमंड टॉप अप इवेंट के बारे में। यही नहीं गैस, अपकमिंग फ्री रिवॉर्ड्स इवेंट को लेकर एक मस्त सा इवेंट निकल के आ रहा है, जिसको लेकर अपडेट देने वाला हूँ। फ्री फायर की एक मस्त सी मेम रहेगी, आप सभी के कमेंट को पिक किया है, जिसका आंसर मिलेगा। कुल मिला के गाइस आज का जे वाला वीडियो भाई कितने रैपचिक से लेके बॉम्बास्टिक होने वाला है। क्या बात कर रहे हैं? तो भाई आप लोग काफी दिनों से कमेंट कर रहे थे कि नेक्स्ट टॉप अप इवेंट कौन सा होगा बता दो। तो फाइनली गाइस नेक्स्ट टॉप अप इवेंट का ऑफिशियली पोस्टर निकल के आ चुका है, जो की आप लोग देख लो। टॉप अप इवेंट के अंदर गाइस सबसे पहले आपको 100 डायमंड के अंदर एक मस्त सा 30 मैन इमोट दिखने को मिलेगा, जो की आप लोग देख लो। नेक्स्ट टॉप अप इवेंट के अंदर अगर आप लोग 100 डायमंड का टॉप अप करते हो तो गैस ये 30 मैन इमोट आप सभी को एकदम फ्री में क्लेम करने को मिल जाएगा। इसके बाद गैस अलग अलग प्राइस के अंदर आपको फीमेल का जो ठीक है वो पार्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एक पूरा फीमेल का बंडल भी रहेगा। 30 मैन इमोट गैस मेरे को काफी बढ़िया लगा, ठीक है। बाकी तो भैया फीमेल का बंडल कुछ इतना भी खास नहीं है, और ऊपर से भैया सिर्फ ठीक है इसका पार्ट्स वगैरह मिल रहे हैं। ये गैस फीमेल का बंडल फ्री में मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन बस स्कैम देख रहे हो भाई, गरना इसे टॉप अप इवेंट में दे रहा है। तो गैस ये रहेगा अपना नेक्स्ट टॉप अप इवेंट। तो भाई बाकी आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट के अंदर जरूर बताना। आइए गाइस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है नेक्स्ट डिस्काउंट इवेंट को लेकर। तो भाई लगातार आप लोगों ने एक चीज को नोटिस किया होगा, ठीक है भाई, पहले लकी विल इवेंट आता है, इसके बाद मिस्ट्री शॉप आता है, फिर लकी विल आता है, फिर मिस्ट्री शॉप आता है। जनवरी मंथ के अंदर भाई गर्ना ने लकी विल इवेंट दिया था, इस फरवरी मंथ के अंदर गर्ना ने मिस्ट्री शॉप दिया, यानी भाई अपने मार्च मंथ के अंदर आने वाला है फिर से लकी विल इवेंट। जी हाँ गैस, अगर इस बार का मिस्ट्री शॉप आप सभी को पसंद नहीं आया, ठीक है, इस बार का डिस्काउंट इवेंट आपको अच्छा नहीं लगा, तो भाई चिंता मत करिए, मार्च मंथ के अंदर आपको लकी विल इवेंट देखने को मिलेगा। यार मैंने एक चीज को नोटिस किया, ठीक है भाई, मिस्ट्री शॉप से ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड तो भाई गरना अब अपने को लकी विल के अंदर दे रहा है, क्योंकि भाई लकी विल इवेंट के अंदर तो भाई 3 से 4 तो अच्छे अच्छे मेल के बंडल होते हैं, ठीक है, और भाई अच्छी ग्लोल की स्किन और इमोट वगैरह भी होते हैं। इस बार के मिस्ट्री शॉप के अंदर गैस मेरे को 15% ऑफ मिला, ठीक है भाई, मेरा तो पूरा मूड ऑफ हो गया, ठीक है भाई, रिवॉर्ड इतने महंगे मिले कि भाई मैं क्या ही करूँ। मुझे गैस इस बार का मिस्ट्री शॉप अच्छा नहीं लगा, ठीक है, तो भाई मैं ना, ठीक है, नेक्स्ट मंथ का लकी विल आने का वेट करने वाला हूँ। अगर बात करें नेक्स्ट लकी विल इवेंट की डेट की, तो भाई ये आपको 1 मार्च से लेके 5 मार्च के बीच में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा डिस्काउंट इवेंट गरना मंथ के स्टार्टिंग में दे देता है। लकी विल इवेंट के अंदर गैस कौन कौन से रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे ये तो अभी बताना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि भाई अभी मार्च मंथ आने में थोड़ी सी देर है। जैसे ही गैस मार्च मंथ नजदीक आता जाएगा, न्यू लकी विल इवेंट को लेकर गैस मैं आपको अपडेट देता जाऊंगा, ठीक है, कि कौन से रिवॉर्ड्स वगैरह रहेंगे, कौन कौन से बंडल्स वगैरह रहेंगे, और सब कुछ मैं आपको बताता जाऊंगा। बाकी गैस आप लोग मेरे को कमेंट के अंदर बताओ कि न्यू लकी विल के लिए आप लोग एक्साइटेड हो या फिर नहीं। आइए गैस चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है हैंड ऑफ होप M187 की स्किन को लेकर। लास्ट वीडियो के अंदर काफी सारे लोगों ने हैंड ऑफ होप M187 की स्किन के बारे में अपडेट वगैरह मांगी थी। लास्ट टाइम में ये वाली M187 की स्किन गरना ने अपने टोकन टावर के इवेंट के अंदर दी थी, जो कि आप सभी को पता होगा, ठीक है, 2 साल पहले भाई टोकन टावर भाई काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पे रहता था। 2 साल से भी ज्यादा गैस टाइम हो चुका है, ये वाली M187 की स्किन अपने इंडियन सर्वर के अंदर हमें दिखने को नहीं मिली है। वो देखो गैस ऐसा नहीं है, ठीक है, कि भाई सिर्फ इंडियन सर्वर के अंदर ही नहीं आई,
गेट है क्या? बाहर के मैक्सिमम सभी सर्वर के अंदर गर्ना ने इसे नहीं दिया है। खैर अगर बात करें कि इसका इवेंट वगैरह कब आएगा, तो देखो गाइस मेरे ख्याल से आपको इसको लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ ऐसे M1 एडिशन की स्किन है जिसका इवेंट दिखने को मिलेगा। जैसे कि गाइस एलिमेंट M1 एडिशन की स्किन जो कि काफी टाइम से भाई पेंडिंग में पड़ी हुई है, ठीक है, और काफी वक्त से इसका चांस निकल के आ रहा है अपने इंडियन सर्वर के अंदर। और रही बात गाइस हैंड ऑफ होप M1 एडिशन की स्किन इवेंट के बारे में, तो गाइस इसका इवेंट मार्च या फिर अप्रैल मंथ के आसपास आ सकता है, ठीक है, लेकिन अब यह कंफर्म भी नहीं है। मेरे को लगता है कि आपको इसका लंबा इंतजार करना होगा, लेकिन मैं देखूंगा गाइस इसके रिगार्डिंग मेरे को कोई अपडेट वगैरह मिलती है, तो अगर अपडेट मिलती है तो मैं आने वाले वीडियो के अंदर आपके साथ इसकी डिटेल वगैरह शेयर कर दूंगा। वीडियो के अंदर गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है गाइस फ्री रिवॉर्ड्स इवेंट को लेकर। तो यहाँ पे गाइस फ्री रिवॉर्ड्स को लेकर कुछ इस टाइप का इवेंट्स वगैरह निकल के आ रहा है जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो गए। यहाँ पे गाइस आप सभी को एक मैजिक क्यूब फ्री में क्लेम करने को मिल जाता है। मैजिक क्यूब के साथ गाइस हमें कुछ टोकन वगैरह को कलेक्ट करने होते हैं, जिनके बदले में यहाँ पे देखो गाइस कुछ इस टाइप के फ्री के रिवॉर्ड्स क्लेम करने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है गाइस रिवॉर्ड बुरे है, ठीक है, रिवॉर्ड काफी अच्छे खासे मिल जाते हैं। जैसे कि एक म्यूजिक की सीरीज, ठीक है, एक लूट बॉक्स की स्किन है जो कि आप लोग देखो भाई काफी मस्त सी है। फिर यहाँ पे एक मस्त सी पेट की स्किन है जो कि आप लोग देखो, ठीक है, रोबो पेट की स्किन मिल जाती है। सबसे बढ़िया चीज गाइस की ये है कि OB43 अपडेट का न्यू झाड़ू वाला इमोट जो कि आप सभी को पता होगा, ठीक है, रावण बंडल है ना उसका कॉपी, ठीक है, उसका एनिमेशन का कॉपी ये है। झाड़ू वाले गाइस इमोट के बाद भी यहाँ पे और भी काफी अच्छे खासे फ्री रिवॉर्ड्स क्लेम करने को मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे कि एक मस्त सी बाइक की स्किन है जो कि अपने ल्यूमिनस पास के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है, और बाकी यहाँ पे कुछ फीमेल के बंडल है। इवेंट गाइस चेंज हो सकता है, ठीक है, इसके जगह कोई और इवेंट अपने गेम के अंदर आ सकता है फ्यूचर में, या फिर गाइस ये जो यहाँ पे फ्री के रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं अगर ना आने वाले वक्त के अंदर गाइस इन रिवॉर्ड को किसी ना किसी इवेंट के अंदर से अपने को फ्री में क्लेम करने को देने वाला है। तो ये गाइस कुछ फ्री रिवॉर्ड्स के इवेंट्स वगैरह निकल के आ रहे थे जो कि मैंने आप सभी को बता दिया। बाकी गाइस रिवॉर्ड आपको आने वाले वक्त के अंदर इस इवेंट के अंदर नहीं तो कोई और इवेंट के अंदर फ्री में क्लेम करने को मिल जाएंगे। आगे अपन लोग गाइस और भी अपकमिंग इवेंट्स और अपडेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन टाइम हो चुका है फ्री फायर की एक मस्त सी मीम देखने का। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके भाई गर्ना का मालिक चावली का ना यही बड़ा स्कैम है, ठीक है, अपन को लगता है कि जो मेन प्राइज है, ठीक है, मेन रिवॉर्ड है उसके ऊपर स्पिन जाके रुकेगी, लेकिन भाई उसके बगल में रुकती है। बाकी गाइस मीम आपको कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। आइए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। डबल डायमंड टॉप अप इवेंट जो कि गाइस आप में से काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं। डबल डायमंड टॉप अप इवेंट और लेजिस मोड टॉप अप इवेंट, ये दोनों टॉप अप इवेंट काफी ट्रेंडिंग पे रहते हैं, और ये गाइस आप सभी को पता होगा, ठीक है, डबल डायमंड टॉप अप इवेंट और लेजेंड मोड टॉप अप इवेंट पर कुछ खास मौके के ऊपर ही अपने गेम के अंदर आते हैं। आपको याद होगा गाइस थोड़े दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था, ठीक है, कि लीक्स के अकॉर्डिंग होली इवेंट का टाइम लेजेंड मोड टॉप अप इवेंट आएगा। यानी गाइस अगर होली इवेंट का टाइम लेजेंड मोड टॉप अप इवेंट आएगा तो रमजान इवेंट का टाइम अपने को डबल डायमंड टॉप अप इवेंट देखने को मिलेगा। अब गाइस इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, जो कि गर्ना के ऊपर डिपेंड करता है। अपने रमजान इवेंट का टाइम लेजेंड मोड टॉप अप इवेंट आ सकता है और भाई दिवाली का टाइम डबल डायमंड टॉप अप इवेंट आ सकता है, ठीक है, यानी उल्टा फुलटा भी हो सकता है, लेकिन हाई चांस गाइस रहेगा कि रमजान इवेंट के अंदर डबल डायमंड टॉप अप इवेंट आएगा और होली के अंदर लेजेंड मोड टॉप अप इवेंट आएगा। कुल मिला के गाइस इसी OB43 अपडेट के अंदर आपको डबल डायमंड टॉप अप इवेंट और लेजेंड मोड टॉप अप इवेंट दोनों ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको लंबा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए गाइस वीडियो के अंदर अपन लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की। तो भाई मुझे पता है कि आप सभी लोग न्यू गोल्डन शेड बंडल प्लस अपने ओल्ड गोल्डन शेड बंडल आने का वेट कर रहे हो। तो गाइस आप लोग जरा सा भी चिंता मत करें, नेक्स्ट मंथ यानी मार्च मंथ के अंदर ही भाई गरेना अपना न्यू प्लस ओल्ड गोल्डन शेड बंडल का रिंग इवेंट अपने गेम के अंदर लाके देने वाला है। क्रिमिनल बंडल की तरह गाइस आप सभी को पता होगा, ठीक है, न्यू गोस्ट क्रिमिनल बंडल आया था और रेड क्रिमिनल बंडल, ठीक है, जिससे गाइस अपन को डायरेक्ट स्पिन करके निकालना पड़ता था, ठीक है, उससे अपन को टोकन से एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। इसी रिंग इवेंट के अंदर आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा कि भाई जो न्यू गोल्डन शेड बंडल आया
आया है ठीक है, उसे आप लोग डायरेक्ट स्पिन करके निकाल पाओगे, इसे एक्सचेंज करके नहीं निकाल पाओगे। अगर गाइस बात करें कि भाई कितने डायमंड लगेंगे, तो भाई मैं आप सभी को यही बोलूंगा ठीक है कि भाई कम से कम 3000 डायमंड तो सेव करके रखना है। और अगर गाइस आपको न्यू गोल्डन शेड बंडल निकालना है ठीक है, तो भाई कम से कम 5000 डायमंड को सेव करके रखना, क्योंकि भाई जब न्यू घोस्ट क्रिमिनल बंडल आया था ठीक है, आप सभी को पता होगा ठीक है भाई, काफी सारे लोगों ने भाई ठीक है किसी ने 5000 तो किसी ने 10000 डायमंड उड़ा दिए थे, लेकिन फिर भी घोस्ट क्रिमिनल नहीं मिला था। टोटली गाइस ये कुछ ऐसे इवेंट्स वगैरह होते हैं ठीक है, जो कि भाई टोटली स्कैम इवेंट वगैरह होते हैं। बाकी गाइस अगर आप लोग न्यू प्लस ओल्ड गोल्डन शेड बंडल आने का वेट कर रहे हैं ठीक है, तो मार्च मंथ का वेट कर लीजिए, इसके अंदर आपको इवेंट देखने को मिल जाएगा। चलिए गाइस वीडियो के अंदर आप लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है अपनी कोबरा MP40 को लेकर, यूके तो भाई ईवो वर्ल्ड इवेंट को लेकर। अब तो गाइस सारे ईवो गन अपने को ईवो वर्ल्ड के अंदर ही देखने को मिलती है ठीक है। अगर बात करें कि भाई कोबरा MP40 कब आएगी, क्योंकि भाई काफी सारे लोग इसका आने का वेट कर रहे हैं, तो भाई लीक्स के अकॉर्डिंग भाई नेक्स्ट ईवो वर्ल्ड इवेंट के अंदर तो ईवो स्कार देखने को मिलेगी, ऐसा अपडेट मिलकर रखी हुई है ठीक है। तो भाई यहाँ पे भाई नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईवो वर्ल्ड इवेंट के अंदर कोबरा MP40 आएगी, ऐसा अपडेट निकल के आ रहा है। तो भाई मार्च मंथ के अंदर यानी नेक्स्ट मंथ जो ईवो वर्ल्ड इवेंट आ रहा है उसके अंदर आपको कोबरा MP40 देखने को नहीं मिलेगी ठीक है। मार्च मंथ के बाद अप्रैल मंथ में जो अपना ईवो वर्ल्ड आ रहा है उसके अंदर कोबरा MP40 देखने को मिलेगी। हाँ गाइस मुझे पता है ठीक है कि भाई ये फरवरी मंथ और नेक्स्ट अपना मार्च मंथ ठीक है, भाई टोटल 2 मंथ का आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन भाई इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी है भी नहीं। अप्रैल मंथ के अंदर आपको जो ईवो वर्ल्ड इवेंट देखने को मिलेगा उसके अंदर कोबरा MP40 देखने को मिलेगी। बाकी गाइस अगर कंफर्म होता है कि नेक्स्ट ईवो वर्ल्ड में ही कोबरा MP40 आएगी तो मैं आप सभी को बता दूंगा। बाकी चलिए मैंने कुछ लकी कमेंट को पिक किया है, तो उसका आंसर मैं आप सभी को दे देता हूँ। एक भाई ने कहा है मैं नेपाल से हूँ और एनिमेशन कब आएगा, तो देखो गाइस न्यू एनिमेशन आने में काफी देर लगेगी, क्योंकि वो आएगा अपने अप्रैल मंथ के आसपास, तो इससे पहले गाइस इस मंथ नहीं तो नेक्स्ट मंथ अगर ना कोई ना कोई ओल्ड एनिमेशन अपने को लाके देने वाला है। बाकी इवेंट कंफर्म होने का मैं वेट कर रहा हूँ, जिससे कंफर्म होता है मैं आपको बता दूंगा। अभी वर्मा ने पूछा है रैंपेज ईवो बंडल कब आएगा, तो ब्रदर ये अभी अभी आया था रैंपेज इवेंट के टाइम ठीक है, अब आपको वापस रैंपेज इवेंट आने का वेट करना होगा, तब ये देखने को मिलेगा। लेजेंड बॉय ने पूछा है भाई असासिन क्रॉस बंडल कब आएगा, तो देखो इसके रिगार्डिंग तो अभी कोई अपडेट नहीं है, मुझे लगता है कि इसको लेकर भाई आपको काफी लंबा वेट करना होगा। हाँ बाकी गाइस तब तक के लिए स्ट्रीट हग बंडल कब आएगा और वैलेंटाइन इवेंट के अंदर डुओ इमोट फ्री मिलने वाला है, इसके बारे में आपको जानना है लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो, और भी अपकमिंग इवेंट्स और अपडेट के बारे में जानना है राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।